पहली बार संवैधानिक प्रश्न उठाया गया है इस तीव्रता से कि राज्यपाल का जो अधिकार क्षेत्र है किसी को बुलाने का, सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देने का, उस विषय में उनका डिस्क्रेशन कितना है और किस हद तक न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट करके आदेश लिख दिया, उच्चतम न्यायालय ने, आज हम लोग सब वहां थे, कि कल होगा, 24 घंटे से कम में होगा। उसके बाद 5 मिनट तक जिरह हुई है येदुरप्पा जी के वकील द्वारा, माननीय श्री मुकुल रोहतगी, कि 15 दिन नहीं तो कम से कम 10 दिन में करिए, 10 दिन नहीं तो कम से कम 7 दिन में करिए, और अंततो गत्वा काफी देरी तक दलील हुई कि सोमवार से पहले नहीं करिए। इतने महान पोस्ट के व्यक्ति को ऐसा इंस्ट्रक्शन देना, अटर्नी जनरल को, कि उन्होंने मांग की कि ये चुनाव जो कल है विश्वास मत, ये सीक्रेट बैलेट से होना चाहिए। येदुरप्पा जी का 15 तारीख को शाम को 5 बजे राज्यपाल को चिट्ठी लिखना, इतनी तीव्रता कुर्सी के लिए मैंने कहीं नहीं देखी। माननीय येदुरप्पा जी ने कैबिनेट मीटिंग की अपने साथ, उस कैबिनेट मीटिंग में जो एक व्यक्ति की मीटिंग थी, ये निर्णय किया गया कि जो लोग जासूसी से सब ग्रहण करते हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाए, अपने लोग लगाए जाए, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा इतने लाख के लोन वेवर हो जाए। और मैं परिणाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यायालय की बात कर रहा हूँ कि हमें गर्व होना चाहिए कि विश्व भर में ऐसे न्यायालय उच्चतम कहीं कम मिलेंगे जो अर्जेंसी के आधार पर, मैं मेरिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर उनका अवलोकन अर्जेंसी का है कि अर्जेंसी है तो वो रात के भी किसी समय बैठ सकते हैं, क्योंकि न्याय कभी सोता नहीं है, न सोना चाहिए उसे। हमारा मानना है संवैधानिक रूप से सही कानून के आधार पे, नैतिकता के आधार पे, धर्म के आधार पे, एक समझदारी के आधार पे येदुरप्पा जी को कभी इस प्रकार से अपना दावा करना ही नहीं चाहिए। मैं क्यों कहता हूँ, ये प्रो टेम स्पीकर बाय कन्वेंशन ऑलवेज मीन्स द सीनियर मोस्ट एमएलए। What the BJP has done is not the right thing by asking a person who is not the senior most MLA to be a pro tem speaker.